नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। वन विभाग की दो टीमों ने सागौन की लकड़ी से भरी एक पिकअप को घेराबंदी करते हुए पकड़ा है। इसमें 20 नग सागौन के लट्ठे बरामद किए गए, साथ में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। जब्त पिकअप वाहन पर राजसात की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। दक्षिण वन मंडल के वन परिक्षेत्र अधिकारी राघवेंद्र भदौरिया ने बताया कि कुछ दिनों पहले से मुखबिर के सूचना मिलने के बाद वन विभाग की दो टीम गठित की गई और बुधवार की रात्रि में घेराबंदी करके एक पिकअप वाहन को रामघाट के पास रोककर तलाशी की गई, तो उसमें तिरपाल से ढके हुए 20 नाग सागौन की लकड़ी के लट्ठे बरामद किए गए, जो 0.722 घन मीटर सागौन की लकड़ी पाई गई, जिसकी सरकारी कीमत 30,000 रुपये आंकी गई है। जिसमें प्रकरण कायम किया गया है एवं आरोपी पिकअप वाहन का चालक नीलेश पटेल निवासी बागराज वार्ड सागर से पाया गया, जिसे पूछताछ की जा रही है एवं जब्त पिकअप राजसात की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। उन्होंने बताया कि सागौन की लकड़ी की कटाई किस वन इलाके में हुई है, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन आरोपी से पूछताछ में पता चला कि ग्राम निवारी कला से सागौन की लकड़ी भरकर पिकअप रसैना सहजपुर रोड पर होते हुए रामघाट चौराहे पर पहुंची थी। देवरी में किसके यहाँ सागौन की लकड़ी पहुंचाई जानी थी, इस बात का उन्होंने अभी तक खुलासा नहीं किया। कल रात को सूचना प्राप्त हुई थी, जो है निवारी सहजपुर से जो है एक पिकअप जो है सागौन लेते हुए रवाना होना था। हमारा जो है दो टीम बनाई गई थी, सहजपुर में रखी हुई थी टीम और दूसरा देवरी। तो रात के करीबन 10 बजे के आसपास जो है सहजपुर रोड से एक पिकअप वाहन जो कि त्रिपाल से लटकी हुई थी, इसका जो है पीछा करते हुए रामघाट तिगड्डा पर रोका गया है। उसमें 20 नग सागौन प्राप्त हुआ, जिसमें किसी प्रकार के कोई भी कागज नहीं थे। वाहन मालिक जो है मौके पर जो वाहन चला रहे थे नीलेश पटेल, उनको जो है गाड़ी में सागौन के जो है इनको डिपो देवरी लाया गया है, केस दर्ज किया गया है, रकम दर्ज किया गया है। और इसके अलावा जो है वाहन का राजसात का प्रस्ताव प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित किया जा चुका है, को माननीय न्यायालय को सूचना दी जा चुकी है। उसके अलावा जो है प्रकरण में अभी जाँच की जा रही है, विवेचना की जा रही है। ठीक सर, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।